भाटी साहब जी को किले रे ऊपर मकान बने रहो है। तो आपने पीछे जी की कोठी देख लिया हो, ए अपना जी का कोलायत विधानसभा क्षेत्र रहा पूर्व सिंचाई मंत्री हा देवी सिंह जी भाटी साहब मारी ही कोठी है, मतलब वसलपुर है रावालो और ए जी का की गांव है, आने लारे क्यों राख दिया भवन सिंह जी के देवी सिंह गांव है जना भी घोड़िया पर रोड़ा नहीं वो गोरियो है इतो मारसा के भेदभाव करे। तो भवन सिंह जी है देवी सिंह जी के लागे भी भाटी है बुआर बेटा भाई है कि बुआर बेटा ये मतलब रिश्तेदारी में भाई लागे भाई है भवन सिंह जी। और अब है जी का दोनों आमने सामने पिछले 10 सालों में चुनाव लड़ रहे हैं। राम राम सा, मैं महादेव और आप सभी जलकोम न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज आप आया हाँ कोलायत विधानसभा क्षेत्र रहा एक कद्दावर नेता दबंग नेता देवी सिंह जी भाटी साहब जी का पूर्व सिंचाई मंत्री भी रह रहा है और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी है। बारे पेत्रक गांव रे में जठारो पुस्तैनी मकान है और आपने पीछे थे दृश्य देख रहे हो, किले के ऊपर आरो मकान है, आपने पीछे देख रहे हो मंदिर और ओहो जी को पुरानी टाइम में अटे महल बने रहो जठे आज 50 साल पहला रहा करता हबे पीरे बाद में राजनीति में आने रे बाद में बैठा हूँ आप प्रस्थान कर बीकाने रहने लग गया। तो आपने पीछे जी की कोठी देख रहा हो, ए अपना जी का कोलायत विधानसभा क्षेत्र रहा पूर्व सिंचाई मंत्री हा देवी सिंह जी भाटी साहब मारी ही कोठी है, बार वापस बीजेपी ज्वाइन करिए बाद में आया कि नहीं अभी नहीं है आएगा अब आई। अच्छा अठ देवी सिंह जी खुद रो जी को मकान हो ओयो हाँ ओयो। अच्छा मतलब अठन तो खासा टाइम हो गया छोड़िया ने? नहीं खा बहुत टाइम हो गया 35 साल हो गया 35 साल हो गया छोड़िया। ओ है जी को मतलब बहुत ही पुराना महल है जी को शायद अब खंडर में है जी को तब्दील हो गयो क्योंकि चूने में बनाए हो और बहुत टाइम होने के बाद में अब महल की तो हालत हो चुकी है और ये सागे अठे अरे मंदिर और है ठाकुर जी महाराज रो और भौमिया जी महाराज रो जी को भी थाने दिखा वहाँ। तो ओ नीचे जी को रस्तो ओ सीधा ओ पुराने टाइम आन जान हूँ तो अच्छा नीचे आन जान आन जान तो दो रस्ते है एक ओ हूँ तो एक पीछे अच्छा अठ जी के किले पर 2-3 मकान बने रहा है ए मतलब अरे देव सिंह जी परिवार रही है हाँ परिवार का है एक ही परिवार का है एक ही परिवार रहा है। और वो मंदिर है जी को किरो है एक ठाकुर जी को है एक अंग भौमिया जी को है दादो सांगो अच्छा देव सिंह जी दादो सांगो है जी वो मंदिर बनो रहा पूजा 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 भी करे पूजा यहाँ बामणे हुए पंडित करे पंडित करे। अच्छा एक और आप जिकी साइड आया वो रस्तो वो भी ऊंचो ही आवे अच्छा वो ई किलर भी साइड हुआ और एक ही साइड हुआ और मेन गांव रे बीच में जिको रस्तो बीच में वो आवे जिको रस्तो है बसलपुर में किता घर है घर बस्ती है अब 200 घर है बस्ती गांव रा जिका लोग है बाऊ बारे बारे में भी थोड़ी बहुत है जिकी जानकारी लेवा ला और अब माने बीजेपी ज्वाइन करे बाद में मेरो चुनावी है जिको माहौल किसो कैट है बीरे बारे में भी लोगों ने जी की राय और जानकारी ले वाला क्यों साहब मतलब देवी सिंह जी ने राजनीति में आने लगभग टाइम कितो को गयो कम से कम 50-60 साल हो गए 50-60 साल हो गया और अब की बार बीजेपी बार ज्वाइन कर ली वापिस तो गांव में भी चीज रही कितनी खुशी है बहुत तकड़ी खुशी है। अच्छा अब की बार की कुछ स्थान माहौल लागे बढ़िया लागे माहौल निकल सी राजनीति में और जीतेला बात करें पट्टो मतलब ई एरिया ने थारे पट्टो क्या करे मतलब देवी सिंह जी को पट्टो तो मतलब अठू है जी का देवी सिंह जी वोट किता खींच ले लगभग देवी सिंह वोट है पट्टे में और भंवर सिंह जी रा भंवर सिंह नहीं है पट्टे में वोट वोट को नहीं बहुत। अच्छा भंवर सिंह जी है देवी सिंह जी के लागे भी भाटी है बुआर बेटा भाई है कि बुआर बेटा ये मतलब रिश्तेदारी में भाई लागे भाई भंवर सिंह जी। और अब है जी का दोनों आमने सामने पिछले 10 सालों में चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब दो बार भंवर सिंह जी है जी का देवी सिंह जी ने हरा दिया तो अब की बार है जी को कितो का ही माहौल है पट्टे में पिछली बार पट्टे में भी वोट बाकी रह गया होना नहीं नहीं पिछली बार अठ गोरे ने इन कोलायत साइड में इन रह गया वोट रह गया तो अब की बार मतलब की कुछ माहौल लागे मतलब लोगों ने भीड़ भाड़ वालों में माहौल ज्यादा हो बढ़िया माहौल अब गेड़ी तो बीजेपी में पाछी ज्वाइनिंग कर ली तो गाँव आया कोई गाँव आया कोई नहीं बीजेपी में 1-2 दिन बाद शेट जागण है कोई अच्छा मंदिर में बेजन आसी क्या है बे बार वक्ती तो किस हो गया आदमी किस आ गया आदमी तो ठीक ही है भैया नहीं खावे नहीं खाऊं दे ना तो खावे ना खाऊं दे उन दे रबार वाला जगह है बे ए तो बार ए भाई रे भाई रे अंत बाबू ही टाड़े भाई रे अंत के टाड़े तो दुनिया ने बेचर खा गया सा गरे अबार वाला दुनिया बेच खा गया और आटा पुआर वाला कने 700 बीघा जमीन अलॉट करा ली नहर की वन विभाग की जगह बस विदाई के काम का तो आपके मम्मेरा भाई की एक भाई की बहू है दो भाई है मम्मेरा 750 बीघा जमीन और कराई जी की तो अलग है बड़ो खेना 750 बीघा जमीन हाँ। अच्छा बात करा भंवर सिंह जी री भी भाटी है यही भाटी है आर आर के इलाके देवी सिंह जी आगे की को लागे ने जैसलमेर वाइड है अभी यहां तक कोई भाटी पो एक लो नख दो वाला मन ध्यान कोन भी तो बाकी को ठीक है भाई भंवर सिंह बहुत बढ़िया है धन्यवाद है भंवर सिंह ने।
अब खैर विकास की लैंड तोड़ दी थी ठीक है, और बाकी राह वाड़ो बरसल पर भूरा सर में तो एक टके कोई काम कौन करे जना। अब क्या गीत मारा गाओ मारू तो कहीं देखो मतलब बसलपुर रावाड़ो और ए जगह की गांव है आने लारे क्यों राख दिया भवन सिंह के देवी सिंह गांव है जना। एक बढ़िया नेता हुए लीडर हुए बीर लिए तो सब एक समान हुए करे जनता जनता आगे तो एक समान है कहानी आगे तो एक समान है जना। ए देखो थे आगे फोटो क्लियर भेज दियो आ मेरी कान को रेडी। अच्छा के चीज है इम लिखुड़ो है मंत्री भंवर सिंह जी भाटी की सह पर बज्जू सरपंच और उसके पुत्र का एक और विकास कार्य आरडी 931 बज्जू फांटा सरकारी भूमि का आवंटन व फिर उसका ये भूमि सह परिवर्तन पूरा का पूरा नाजायज फर्जी है। इस्टे हाईवे सड़क के 100 फीट के दायरे के अंदर है बल्कि नियमानुसार 45 मीटर यानी 132 फीट तक भू सह परिवर्तन नहीं किया जा सकता और तीन नाम से नहीं, लेकिन यह एसडीएम बज्जू जिला बीकानेर में भू माफिया लोगों के साथ मिली भगत करके सरकारी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पहले आवंटन करके फिर इनको विक्रय करवा करके और फिर इस भूमि का भू सह परिवर्तन वाणिज्य में करके पंजीकरण करवा दिया। इससे बड़े बड़े जमीन घोटाले उजागर होते हैं जो आपको पता चलेगा कि कितना विकास किया है। अच्छा आज स्टे कौन लगाई इस चीज कौन लगाई मन ध्यान को नहीं कहीं बीपक सर लगाई ली। अच्छा मतलब अब आ देख ले थे मुंह के बताओ मतलब प्रशासन कोई कह में हल्ले कोन प्रशासन आंग हुई तो है बस गेलो जीत का धन कमा लियो बहुत सी का धन कमा लियो अपन जनताओं की करना है। तो अब अठर जनता है जी वोट किन देसी अब तो देव सिंह बाठिन देसी ज्यादा कर तो अब की बार किया लागे मारो माहौल माहौल तो ठीक है देव सिंह जी को बाकी को बीच में वो आवासी नहीं अरेल प्यारो वो भी वोट का पी लेती थी। हाँ बात करा मतलब हनुमान बेनीवाल जी री तो बार भी बार बढ़िया बहुत जोर शोर प्रचार चल रहा है बहुत तकड़ो चल रहा है और लोग सहयोग भी देसी बहुत ज्यादा माहौल है जी को किरो है अभी तो आर एल पी को देव सिंह बराबर है दोहारो ही भंवर सिंह जी रो भंवर सिंह जी तो गिया सारा नाम ही ना लेना नाम ही ना लेना आगे सारू आवा को नहीं क्यों मतलब की जगह देखा जाओ तो थारे बजूर में तो क्या घणो विकास करे सड़क बना दी करे माने के ओ सायो बरसल पर छिल्ला में रोड बना दी माने के ओ सायो तो मार्गा में तो बनाई कहानी नई स्कूल बनाई अब रणजीत प्रेम में 13 लाख रुपया को विकास करियो है और रावड़ा को बोल रहा है कि तो गद्दार रोड नाड़ो घोरियो है स्कूल है जी भी घोड़िया पर रोड़ा नहीं वो घोरियो है इतो मार सा के भेदभाव करे। अब आऊँ लाग रही है कल 4 तारीख को कह थे आओ मे बाजार के लाओ कि मंडी बनाओ सारी मारी उप तहसील बाग रणजीत प्रे ले गया और मंडी है जी भलाई ले जाओ मंडी में सिर पड़ा आज तीन दाना कट बेचता बीकानेर बेचता साधन को नहीं तो नहीं अब तो साधन है हर घर में भी गाड़ी में 50 बोरी ले जाए 20 बोरी ले जाए 4 ले जाए तो बीकानेर ले जाए इतना लोग सक्सेस हो गया ट्रैक्टर ट्रोली करना है लगा अब दोरांग माँ का मंडी बनाओ पीसा खाउन खातर तो अब के लगे मतलब भंवर सिंह जीरो के निकलने चांस है पहलो नंबर तो है देवी सिंह को ठीक है हाँ जी और दूसरो नंबर है आर एल पी को ठीक है भंवर सिंह तो ना भी ना लेना नेड़ तेड़ ही कोनी खड़ी आतरे कोलाई तो परिये बात करो कोई भाई कोनी भाई लोग बीजे देखूँ फोन में। अच्छा तो बात करा पर राजस्थान री सरकार री कांग्रेस की जी की सरकार है बतायो जा रही बहुत विकास करियो फोन भी बांटिया जी विधवा महिला ही और आप जी की पढ़ने वाली बच्चा ही बान है विधवा महिला बात क्यों कर सी पति तो है कोनी छोरा तो नहीं गेलो जी बात कर सी छोरा सख्त महिला बात कान कर लेनी छोरा सख्त छोरा बीजनी बात ही कान कर दे माने बात कर दे है आजकल सही सी होगी पढ़ी लिखी तो मतलब पढ़ी लिखी बच्चिया ने दिया फोन पढ़ने वाले ने बाहर तो काम रो है बांगे काम को जरूर है बे इन भी फोन करके दौड़ जी ब्याह कौन करनो नहीं फोन दौड़ जी हाँ तो फोन सफर जी तो अब ठेक करो नहीं फोन सफर के काम गए 12 साल की 18-15 साल की बच्चे ने फोन के काम गो लोग तो क्या फोन दियो ना लड़कियाँ ने यार बे गेलो तो क्या फोन दियो गेलो जी बिगाड़न काम करे बिगाड़न को काम करे तो थे देख ले तो हूँ के बताऊँ थाने भी छोटे बच्चे ने अपने फोन दे सी बिगड़ सी के कसी हो मोटरसाइकिल दे सी बिगड़ सी हूँ थाने कहूँ एक एक लड़का अब नए दे मैं जेर पी लिया माँ है मोटरसाइकिल लिया मोटरसाइकिल लिया वो मर्जी है अबे माँ बैंक में बैठी है पेमेंट तक है मांगा सड़क एक्सीडेंट का पेमेंट तक है आज ही मोटरसाइकिल दिया भाई मर गया आज पेमेंट से करना आइडिया तो, मतलब गहलोत जी तो और भी विकास रो काम करे 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी 2000 यूनिट किसानों ने फ्री कर दी। देखो बिजली फ्री है मोटर लुगाई दोनों तारा घा लगा दोनों की कंट को जानी क्यों लाइन मैन की जरूरत का लाइट आई तो कहानी लोग मुँह फड़ी बाल दी ए दोनों पकड़ लियो जी करंट आज तो करंट लाइन मैन की जरूरत कहानी और कितो मोटो विकास करा चुके मतलब लाइट रह कौन जन किसानों तो नुकसान भी है नुकसान भारी हो गयो साहब मुँह फड़ी लोग बड़गी मेरे एक के कहानी मेरे तो बड़गी तो कोई बात को नहीं
बाकी को लोग शाह सिर्फ खेती पर आ वहाँ लोग मूँगफली बढ़ गई यार अभी थाने दिखाड़ू अठे बलेड़ी से एकदम यहाँ खड़ी लाइट को ना कौन डिम लाइट भेज है। अच्छा अब की बार थाने के कुछ लगे मतलब कांग्रेस की सरकार है जी राजस्थान में वापिस आ सी अद भाई पानी पी गई थारी अब के बार तो और आगे की काई देख सा अब की बार तो पानी पी गई ठंड पी गई। गहलोत जी ने आपने कह दियो कि हमारी सरकार जावा है और मेरा योजना की बंद ना करियो और वो जो सारा खाजवाड़ा विधायक है बन के दियो कि वोट बीजेपी ने दे दियो जो खाजवाड़ा छत्तरगढ़ अनूपगढ़ में रलाया एक बार पहली गहलोत की सरकार है जो डूंगरगढ़ ने बीकानेर में टेक्यो इतना लोग तंग हो या जो खादों पर है अब क्या दो आंद कर दिया तो गहलोत की सरकार तो कर सी एक काम है बाकी ठीक है विकास कर चौख है सड़क में जोड़ दिया चौख के महत्वपूर्ण सी गए। अच्छा जो बात करा आज जिका आप देवी सिंह जी भाटी साहब पैतृक गाँव में बैठे तो मतलब वहाँ पर भी एक बात कर रहे हैं कि अब अगर जो देवी सिंह जी वापस जीत गया तो के कुछ लागे आप जी को इलाको है बिरो की सुधार और विकास करी। देखो जे देवी सिंह भाटी सुधार सी ने तो बिगड़े जरूर कोनी और पानी के विषय में और सड़क के विषय में और जमींदार के सोच में भाटी साहब की नींद सही है ठीक है बहुत ही तकड़ी नींद है भाटी साहब की अंग कि आई तो घर भरिया खेणा में और मैं रोटी बदाने में और निकट पूछड़ कर गए आपका घर भर लिया अन्य पीढ़िया में धन मुक्के कोनी जनता की टाट मारनी कहानी जनता हूँ कोई मतलब कोई मतलब को जनता हूँ तो मतलब एरियो हर जगह तिमन बनावा। चलो सर आ ही मतलब एक गांव राज्य का बुजुर्ग आदमी आप बारी सोच और बारी राय और बारी प्रतिक्रिया।